एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने हल्दी पार्टी मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप अपनी हल्दी में खुद से मेकअप करना चाहती हो, इस टाइम तो आप सभी को पता ही कि ना ही आप पार्लर जा सकते हो, ना ही किसी को बुला सकते हो, क्योंकि इस टाइम ऐसा टाइम चल रहा है कि हमें, अगर हमारी शादी है तो हमें डर लगता है यार कि कहाँ हम जाएँ मेकअप करवाएँ। तो इस मेकअप लुक को मैंने बहुत ईजी तरीके से, कुछ ही प्रोडक्ट से इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है। और ये जो हेयर आप देख रहे हो ना, साइड में बिल्कुल नीचे तक लटक रहे हैं। तो इस तरीके का जो मेकअप लुक है ना, कई तरीके का क्लोजअप मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगी, तो ये जो ज्वेलरी है ना, मेरी खुद से मैंने बनाई है। जो आप सजावट के लिए फ्लावर्स लेकर आते हो ना, गेंदे वाले फ्लावर्स होते हैं, तो उन्हीं से मैंने खुद से जुगाड़ बना के खुद से बना लिया, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे काफ़ी। तो मैंने कहा चलो यही जुगाड़ बना के ज्वेलरी बना लेते हैं। और ये वाला मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना, वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आपको कोई नया मेकअप लुक देखना है तो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे दो तरह की लिपस्टिक लगाई है, एक तो थोड़ी सी डार्क है और एक थोड़ी सी लाइट है। अगर आपको जो रखनी है आप रख सकते हो। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने अपना फुल आउटफिट आप लोगों को दिखाया है। और ये जो पियरी है मेरी शादी की है, कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं इस लुक को कैसे हमने क्रिएट किया। एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी गाइस, कि एक लुक को क्रिएट करने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग अनलाइक मत किया करिए, लाइक करके जाया करिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का फटाफट से देखते हैं इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया है, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। ये बजट में लैक्मे ब्रांड ऐसा ब्रांड है जो सब हर किसी के पास मिल जाता है, इसलिए मैंने ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ NYV का कंसीलर। जब भी कोई भी आप आई शेडो लगाओगे ना, तो कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी लगा लेना, इससे क्या होगा ना, जो आपका आई शेडो का कलर है वो उभर कर आएगा। बहुत लोग बोलते दी हमारा कलर जो है वो डल रहता है, इसी वजह से आप थोड़ा सा ये कर लेंगे ना, तो इससे आपका कलर अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने लिया मोर्फी का पैलेट, इसमें से मैं ट्रांजिशन सेट पिक कर रही हूँ। कंसीलर को लगाने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया था, आपके पास कोई भी पाउडर हो आप उससे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा रेड शेड की, क्योंकि येलो के साथ थोड़ा सा रेड रेड दिखेगा ना, तो लुक जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। और कोई भी कलर आपको नहीं लगाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊँगी वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा लेकर। हाफ एंड हाफ का पैलेट ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ग्लिटर सेट में है। यहाँ पे येलो सेड मैंने पिक किया है, कोई भी ब्रश नहीं यूज कर रही हूँ, जस्ट एक फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ग्लिटर में है, शाइन में है, लुक अच्छा आएगा जस्ट। और आपको कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छे से ही अप्लाई करना है, फिंगर की हेल्प से खूब अच्छे से आपको लगाना है, ताकि जो आपकी आई का मेकअप है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। और लैक्मे काजल है, लैक्मे ब्लू हेवन, ये दो जो ब्रांड है ना हर किसी के पास मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास ब्लू हेवन है तो आप वो लगा लीजिए। मेरे पास लैक्मे है तो मैं वो अप्लाई कर ले रही हूँ, ठीक है। अच्छे से आपको दोनों ही आई में अप्लाई कर लेना है। फिर वही हम रेड वाला, सॉरी, जो हमारा येलो टोन वाला सेट था ना ग्लिटर वाला, उसको हल्का सा जस्ट लाइटली अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हमारा आई मेकअप है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखे। प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, बजट में है। अगर आपके पास ये नहीं है, एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ऐसे फाउंडेशन अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लगाते हो तो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद लैक्मे का 200 का फाउंडेशन लगा रही हूँ, उसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो फिंगर की हेल्प से लगा सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं किसी दिन उस तरीके से भी बिना ब्रश से मेकअप कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। जिसको अच्छे से आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। और अगर आपके पास स्पंज हो ना, स्पंज वैसे भी घर में आराम से मिल जाते हैं, तो उसको कट करके रख लीजिएगा और इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि कोई भी मतलब क्रीज लाइन या लाइन वगैरह नहीं दिखेगी, एकदम स्मूथ दिखेगा, इसलिए ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लैक्मे का फाउंडेशन, सॉरी, लैक्मे का पाउडर लगा रही हूँ, उसमें स्पंज होता है ना, उसी की हेल्प से अच्छे से ही मैं सेट कर ले रही हूँ अपने पूरे फेस को, बस लाइटली हल्का हल्का सा। अब हम यहाँ पे ब्राउन शेड पिक कर रहे हैं,
थोड़ा सा ही मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए ये लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम आईब्रो पेंसिल 3-4 थी जो बाबू तोड़ ताड़ के रख दी और मैं नहीं मंगा रही हूँ, इसी से मैं जुगाड़ बना ले रही हूँ। आप आईब्रो पेंसिल भी लगा सकते हो अगर आप ब्रश नहीं यूज करना चाहते हो तो। दोनों ही आई में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और आई शेडो में एक ब्राउजर सेट पिक करेंगे, हल्का हल्का सा ब्राउजर ज़रूर करेंगे। चंती जब आप ब्राउजर कर लोगे ना, आपका फेस का जो लुक है ना, वो कट है ना, एकदम सा चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारे दिखोगे आप। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ NYY का लाइनर, तो अगर आपके पास लैक्मे ब्रांड है तो आप वो लगा लीजिए, लैक्मे तो अधिकतर सभी के पास होता है। थोड़ा सा जस्ट लाइटली विक लाइनर ड्रॉ करूँगी, हल्का सा, देख रहे हैं आप, पता भी नहीं चल रहा, बस हल्के हल्के से अप्लाई करेंगे और ब्लशर लगाएंगे। ब्लशर नहीं है, आई शेडो पैलेट में पिंक कलर है वो अप्लाई करिएगा, ये ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि जो आप ब्राइडल हो तो आपके फेस पे थोड़ा सा ग्लो और पिंकिश टोन होना ज़रूरी है ना। हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ CCBT का हाइलाइटर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राइडल हो तो ग्लो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, शादी वादी होती ना रो लेते हैं तो ग्लो हमारा चला जाता है, तो इसलिए हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो पूरे फेस पे हमने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, इसके बाद मैं लगा रही हूँ ADS का लिप लाइनर और इसके बाद हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, ये 100 की है। थोड़ी सी मैंने डार्क शेड लगाई है, इसके ऊपर फिर मैं लगा लेती हूँ थोड़ी सी लाइट शेड। पहले मैंने डार्क वाला लुक दिखाया फिर लाइट वाला, दोनों ही लुक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर। ज्वेलरी जैसे मैंने आपको बताई कि मैंने खुद से बनाई है, जुगाड़ वुगाड़ बना के, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी वरना डिलीट कर दूँगी, बस मैंने बना लिया था क्योंकि आप लोग बोलते हो ना दी ये आपने कहाँ से लिया कहाँ से नहीं, तो इसलिए मैंने इसे बना लिया था ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ। और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट, यानी कि साड़ी जो मेरी पियरी है शादी की है। बैकग्राउंड को लेके माइंड मत लीजिएगा, जब भी आप मेकअप करती हो ना तो पूरा मैसी हो जाता है। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर, कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट किया करिए, और प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करना यार, अपने फैमिली फ्रेंड, आपकी कोई भी फ्रेंड हो ना तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई नया मेकअप लुक देखना है या आप लोग कुछ भी अलग तरीके का मेकअप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ये रही मेरी लाइट कलर की लिपस्टिक कैसी लग रही है, दोनों में से आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी आप लोग बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।